नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज ये लप्पू सा ट्रिगू ये शो करेगा कि वो लप्पू नहीं है, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं आर यू स्मार्टर देन अ फिफ्थ ग्रेडर गेम। क्या आप पांचवी पास से तेज करके एक शो आता था, उसकी अब एक गेम बना दी गई है। तो क्या मैं हूँ पांचवी पास से तेज, जो की मैं डेफिनेटली हूँ। मैं तो कॉलेज वालों से भी तेज हूँ यही प्रूव करने के लिए 200 IQ वाला ट्रिगू जो है आज खेलेगा स्मार्टर देन फिफ्थ ग्रेडर। लेट्स गो। We're going to ask you 11 questions in increasing difficulty. 11 क्वेश्चन पूछेगा, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। You'll have a classmate to help you out and 3 cheats you can use during the game. 3 lifeline होंगी। You can either copy your classmate's answer, see how the whole class would answer the question. Audience poll. Just discard this question and get a new flip question. Flip the question. वही KBC वाली lifelines है। New question though. You'll get points for each right answer, but just one wrong answer. And you're out. गलत नहीं दे सकते आंसर। Sixth grade question, you'll be on your own. ठीक है। No cheats, no classmate. Let's see. तो बेसिकली क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का होगा वो भी हम चूज करेंगे। Every question here is worth 100 points. ठीक है भाई। Yeah. And helping you for this grade. और ये बच्चे हैं, ये हमारी हेल्प भी कर सकते हैं और हमें हेल्प करेगा Haley. हेली हेल्प करेगी। हेलो। ये रीडिंग और स्पेलिंग में अच्छी है। Here's your subject for this question. It is reading, life science, social studies, vocabulary. अब हमें इन 4 कैटेगरीज में से कोई चूज करनी है, तो आई थिंक मेरी रीडिंग और वोकैबुलरी मेरे को लगता है अच्छी है। मैं वोकैबुलरी चूज करूंगा। लाओ भाई। English teacher proud in this next question. By definition, the word equine refers to what species of animal? Cow, horse, dog. Standard gamer. What's the right answer? By definition, the word equine refers to what species of animal? फर्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते थे। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूंगा यहाँ पे। Equine, equine, equine. Take as long as you need. हाँ, तेरी हेल्प नहीं चाहिए, चुप रह। वैसे तो मैं पहले क्वेश्चन पे ऑडियंस पोल लेके अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचना चाहूंगा। देखिए, इक्वाइन बोलते ही मेरे दिमाग में क्या गाय आती है, क्या हॉर्स आता है या डॉग आता है। इक्वाइन, 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 काओ लग रहा है। इक्वाइन, इक्वाइन है ना, तो काओ आ गई। कुछ भी चीटिंग ये कर लूंगा। कॉपी न्यू क्वेश्चन या आस्क द क्लास। यार, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में चीटिंग नहीं मैं करना चाहूंगा, तो आई थिंक मैं इसमें तुक्केबाजी पे जाता हूँ। वो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना, वो लगाते हैं। एलिमिनेट करूँ भी कैसे? चुप हो जा हेली, शट अप। इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन, आउट। खेलना है तो खेल लो, वरना गेट आउट। क्या हॉर्स बोलने पे मेरे को इक्वाइन सुनाई देता है? इक्वाइन हॉर्स, इक्वाइन हॉर्स, इक्वाइन हॉर्स, ये इक्वाइन स्पीशीज है। हाँ, तुक्के मारेंगे हम। अगर गलत हो गया तो रिस्टार्ट। The actual answer is horse. Yes! Yes! 100 points. तू ऐसे ही थोड़ी ना IIT क्रैक कर दी थी। Very good बेटा। So, Haley, thanks for coming today. Why don't you give us a nice fact about yourself? अच्छा। I like to bake because it's all very precise. An excellent fact. Wow, ये जान के मेरे को क्या फायदा हुआ हेली? मुझे क्या मिला बताओ। Let's pick one for the next question. Maths, 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 maths में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर पहली क्लास में equine जैसे questions पूछे जाएंगे ये नहीं सोचा था। Leah had 176 baseball cards and buys 35. 176 थे, 35 और लिए। Pablo has 72 baseball cards and buys 149 more. अच्छा। Who has more total baseball cards? Addition करनी है। Pablo. They have the same amount. Okay. 149 में अगर हम 72 डालेंगे तो 9 + 2 11, 1 कैरी, 7 + 4 11 + 1 12, 2 इधर 1 कैरी, तो इसका हो गया 221। और ऊपर वाले के 6 + 5 11, 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी, 211। आई थिंक इसके 221 हुए, उसके 211 हुए, तो पैब्लो के पास ज्यादा है। Yes. Here's the answer, and that makes the answer Pablo. Oh! You get 100 points. First class की मैच सही से करी है भाई ने, क्या बात है। Smart है। But you've had enough of me. Go for it, Claudia. Hi, I'm Claudia, your other host for the show. अच्छा. I hope you're ready for second grade. Second class आगे guys. This time each question is worth 150 points. ठीक है मैडम. It's time to meet a new classmate and say bye to your old one. Bye, Haley. You can do it. Yes. अब नया बच्चा आएगा कोई. Yeah. Let's say hi to your new classmate. मुझे इल्ली दो, इल्ली दो, इल्ली, इल्ली मेरे जैसी लग रही है दिखने में. Ava. आवा आ गई, आवा. Yay. Woohoo. Yay. Konnichiwa, Ava Sanders. कोनिचिवा। अच्छा ये फॉरेन लैंग्वेज और सोशल स्टडीज में अच्छी है, ठीक है। स्टैंडर्ड गेमर, पिक अ गुड सब्जेक्ट फॉर योरसेल्फ। रीडिंग, लाइफ साइंस, सोशल स्टडीज, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स ले लूँ मैं, क्योंकि मैथ्स सही है मेरी। मेजरमेंट्स ले लेते हैं, मैथ्स करते हैं, मैथ्स में ही ठीक हूँ मैं। अरे फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आ गया, ओके। If a recipe Samir is using calls for 2 teaspoons of sugar. What fraction of a tablespoon is that? 1/4, 1/2, 2/3. Standard gamer, give us your answer. Teaspoon और tablespoon में क्या relation होता है? ये मेरे को नहीं पता. If a recipe Samir is using calls for 2 teaspoons of sugar. Let's say चाय है. चाय में वो 2 teaspoon डालता है. तो tablespoon का कितना हुआ? Teaspoon और tablespoon का relation basically. I think answer 1/4 नहीं हो सकता. नहीं, क्योंकि टीस्पून टेबलस्पून का 1/8 साइज नहीं होता। Let me read back the word. चुप रह, नहीं सुनना मेरे को। I think answer 2nd या 3rd में है, ठीक है? 1/2 या 2/3 होगा। I think इसका answer 2/3 है। मेरी gut feeling कह रही है it's 2/3, वरना मैं देखे जाएंगे। You got it now. Woo! So the answer is 2/3. Yes! Let's go! मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन करना है मैंने उसका आंसर कैसे निकाला। देखो मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ नहीं सोचा तुक्का ही था। नहीं नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस किया था। SST, सोशल स्टडीज, मैथ्स या मेजरमेंट। मेजरमेंट्स। SST मेरी इतनी कुछ खास है नहीं। मैथ्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट पिछला कर लिया तो ये वाला मैथ्स करते हैं। What is the numerator in 5/12? 5/12 में न्यूमरेटर क्या है? 5। आज सेकंड क्लास में तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। 5 आंटी 5 5। इतना तो मैथ्स भाई दूसरी के बच्चे को आता होगा। ओ वेट, ये तो दूसरी का ही क्वेश्चन है। The correct answer is 5. Good job. You get 150 points. दूसरी कक्षा पास कर ली भाई लोग, 3rd में पहुंच गए। Let's take a look at the points. Great work. Hello Teddy. ये तो Teddy मेरे जैसा दिखता है। You're doing great. It's time for 3rd grade. तीसरी कक्षा आ गई भाई। मुश्किल हो जाएगा अब। बाय आवा। पर इन्होंने मुश्किल क्वेश्चन पूछे है भाई, पहली और दूसरे के हिसाब से। इली, इली को भेजो, इली। Joaquin. वाकी आ गया, वाकी। My name is Joaquin. Joaquin नहीं, तेरा नाम जोआक्विन है। To work on math and geometry questions. ओ ज्योमेट्री और मैथ्स तो मेरी भी अच्छी है, तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। बस ऐसे। Here's your choice of subjects. Okay, reading, SST या spelling. Reading, spelling, इन दोनों में से सोच रहा हूँ मैं कोई लूँ। I think मेरे spellings मेरे को लगता है अच्छे हैं क्योंकि स्क्रिबल में मैं अच्छा हूँ, तुमने देखा ये streams पे। Be sure to use it in a sentence for this spelling question. Okay. How many times does the letter H appear in the following word? Rhythm. 1, 2, 3. रिदम में कितनी बार H आता है? एक बार RYTHM, एक सेकेंड, या फिर RHYTHM। रिदम, रिदम, हाँ एक सेकेंड, RHYTHM होता है या RYTHM होता है? मैं तो कंफ्यूजन में पड़ गया। RYTHM, RHYTHM, अरे पता है क्वेश्चन, चुप रहे। मेरे हिसाब से RYTHM गलत है। आई थिंक RHYTHM होता है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि मैं उसको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में रिदम जरूर बोला है, और मैंने ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो जरूर पूछा है कि जब बोलते रिदम है तो रिदम क्यों लिखते हैं। जैसे ऋतिक रोशन है ना, कि उसमें H जो है वो साइलेंट है, वैसे ही रिदम उसमें वो H जो है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए वो रिदम हो जाता है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। फूफ कर देते हैं, अब आग देखी जाएगी। We got your answer. गलत हो गया तो रीस्टार्ट। Correct answer is 2. Too easy. You get 200 points. Actually, I am just very good at all this. You know, Scribble में तुमने देखा या मेरे को। Secret पता क्या है? सही स्पेलिंग्स करने का। वो वर्ड को गलत ही बोलो। जैसे रहिदम है ना, तो रहिदम बोलो। I try to eat different foods from around the world. Thank you, Joaquin, तेरी ये जानकारी की जरूरत नहीं थी मेरे को। लाइफ साइंस चूज करके देखूं मैं? मेरे को नहीं पता लाइफ साइंस क्या होता है, देखी जाएगी। Become one with nature. Nature, अच्छा। प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्लास का। Contains no natural protein, whole milk, pure sugar, raw eggs. इनमें से किसमें कोई नेचुरल प्रोटीन नहीं होता? अंडों में तो होता है, रॉ एग्स तो भाई कच्चे अंडों में तो प्रोटीन होता है, तो 3 आंसर नहीं है। मिल्क या फिर प्योर शुगर, आई थिंक मिल्क में भी होता होगा, शुगर में प्रोटीन क्यों होगा? आई थिंक इसका आंसर 2nd है। I can help you if you want. But I think मैं 3rd क्लास में पहुंच चुका हूँ और मैंने एक भी लाइफलाइन नहीं यूज करी है, तो why not just use a lifeline? New question, ask the class. Audience poll करना चाहूंगा मैं। I am sure इसका आंसर 2 है, बस वैसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर ली लाइफलाइन। हाँ जी हाँ जी, ऑडियंस पोल। नहीं। No one. And who thinks it's pure sugar? मैं भाई पाँचों के पाँचों बच्चों ने बोल दिया है सेम है आंसर। ठीक है ठीक है भाई, मुझे भी पता था ये तो। हाँ, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अच्छा, I just did it for the content यार। प्योर शुगर। अगर शुगर में प्रोटीन होता तो जिम के बाद लोग शुगर खा रहे होते। तो क्लास 3rd हो गई कंप्लीट। लेट्स गो गाइस, 4थी कक्षा में पहुंच गया भाई। It's going to get tougher in the 4th grade. 4थी कक्षा आ गई। 250 points. Okay. Say hi to our new classmate and goodbye to the old one. Bye Joaquin. Yeah. Joaquin है तेरा नाम, Joaquin नहीं है। So, let's greet your new. अरे अब तो इली को भेज दो। इली आ गया। I am not judging. And I'm really good at chemistry and measurement questions. Chemistry और measurement में अच्छा है, अच्छे हैं। Pick a subject for this question. मैंने I think SST और reading नहीं चूज करा है अभी तक। 4थी क्लास की reading में क्या ही दे देंगे ये, मतलब पैराग्राफ पढ़ के कोई आंसर करना होगा ना, reading चूज करते हैं। Let's turn the page to the next literature question. Literature आ गया भाई। Kevin's favorite book is the 1850 novel David Copperfield. Who wrote it? Lewis Carroll, Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle. This is like the funniest thing ever जो मेरी जिंदगी में हुई होगी। Like I'm not even kidding. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी सिवाय इसके, डेविड कॉपरफील्ड के। I mean, ये भी मैंने कोई पढ़ी नहीं है, बट जब एक वो वाला फेज आता है ना, जब तुम इंग्लिश आंटी मेरे को नहीं सुनना, मेरे को मेरी बात बोल लेने दो। हाँ तो मैं बता रहा था कि एक जब वो फेज आता है ना तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम्हें लगता है कि यार हमको भी अपनी इंग्लिश सही करनी है, तो उसके लिए तुम टीचर से पूछते हो कि कैसे इंग्लिश सही हो सकती है, तो तुम्हें वो बोलती है कि तुम नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ये करो वो करो। तो मैं भी गया था अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में और वो बुक लेकर आया था एक, एंड वो बुक का नाम था डेविड कॉपरफील्ड। और मेरे को ना उसके ऑथर का नाम कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज काफी बढ़िया नाम है उनका, और उनका नाम है चार्ल्स। The real answer is actually Charles Dickens. Of course. मैम for real मैंने कभी कोई नॉवेल नहीं पढ़ी थी, बस ये मैं इशू करवा के लाया था अपनी लाइब्रेरी से कि पढ़ूंगा, पढ़ी वो भी नहीं। Let's see what subjects there are. I think I will go with maths. मेरे लिए, मेरे को लगता है वो easy option है, क्योंकि मेरे को maths अच्छे से आती है। Okay, percentages आ गई है। Written as a percentage. 12.5. I mean, I'm just so good. I'm just so good. देखिए 1/2 होता है 50%, उसको अगर हमने और 1/2 करा यानी कि 1/4 वो हुआ 25%, और उसको अगर हमने और 1/2 करा यानी कि 1/8 वो हुआ 25 का हाफ यानी कि 12.5%। इसका मतलब मेरा आंसर ऑलरेडी सही है। The right answer is... क्या नहीं, ये क्या हुआ है? प्लीज 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 5%। ये लिखा आ गया प्लेयर डिस्कनेक्टेड, मेरी फट गई। मैं कहा इतना खेल लिया अब। Of course. चौथी कक्षा भी पार हो गई, 5वीं में पहुंच गए। आजा टेडी भाई, 5वीं क्लास आ गई। How time flies. You're almost there. Welcome to 5th grade. और अभी भी 2 लाइफलाइन है, वैसे 3 होती है अगर मैं फालतू में वेस्ट ना करता एक तो। कोई अब नई बच्ची आएगी। बाय इली। हलीमा। बची हलीमा। हलीमा हेल्प कर दियो, चुपचाप 5वीं में पहुंच गए हैं। हेल्थ और लाइफ साइंस, ठीक है, याद रखूंगा मैं। स्टैंडर्ड गेमर, टेक अ लुक एट दीस सब्जेक्ट्स। लाइफ साइंस है यहाँ पे, सोशल स्टडीज, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस देते हैं ना, वो बच्ची का लाइफ साइंस है मेन सब्जेक्ट, तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सीधा सीधा इससे हेल्प ले लूंगा मैं, इजी। Which of the following is a scientific term for an organism that makes its own food from inorganic material? Autotroph, embryotroph, हेटरोट्रॉफ। साइंटिफिक टर्म फॉर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अगर ऑर्गेनिक से बनाता होता तो उसका नाम ऑटोट्रॉफ होता, इनऑर्गेनिक से बना रहा है इसका मतलब वो हेटरोट्रॉफ है मेरे हिसाब से। आंसर इसका सी होना चाहिए, बट वाई इवन वरी, हमारे पास हलीमा है ना। हलीमा कॉपी करूंगा मैं तेरा आंसर, बताओ। You've locked in a cheat. हलीमा चुपचाप सही आंसर दे दियो। So Halima, what is your answer? I choose the first answer. Autotroph. First answer. That's autotroph. Okay, you're whatever. Locked in. We'll see if they manage to help you. अगर ये सही नहीं है ना हलीमा। The answer is autotroph. Yeah, Halima, you are so good. Yeah. Honestly, I was very wrong. Thanks for joining us. Can you give us a fun fact about your favorite subject? Most of the planet's oxygen comes from the oceanic plankton, like algae. ये मुझे पता था, चल निकल निकल। Let's go to the next question. नहीं, I mean तूने मेरी हेल्प करी हलीमा, तो मत निकल। Pick a subject for the next question. अब हम चूज करेंगे वोकैबुलरी या मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स कर लूँ मैं, 5वीं क्लास की मेजरमेंट्स में क्या ही मुश्किल पूछ लेंगे ये। No vampires allowed for this counting question. Counting का क्वेश्चन है, okay. Using Roman numerals, if a building was built in the year XIV, what year was it built in? Oh my god! Oh my god! 14 is the correct answer. I mean, 1004. थोड़ा मुश्किल दे देते हैं यार, थोड़ा सा तो मुश्किल दे देते हैं। So basically देखिए x का मतलब होता है 10 और 1 और वो जो v है IV that is 4, ठीक है। तो जब एक्स आई वी लिखते हैं दैट इज 40। वो बात अलग है, यहाँ तक पहुँचने में ये मेरी 3री रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट है, ये चीज़ तुम्हें नहीं पता होगा कि इससे पहले मैंने 2 बार ट्राई करा ये गेम रिकॉर्ड करने का। पहली बार मैं 3rd क्लास में हार गया, दूसरी बार मैं 2nd क्लास में हार गया, और इस बार मैं फाइनली 5th क्लास क्लियर करके 6th तक पहुँचने वाला हूँ। इट इज़ नॉट अ टफ वन बेटा, इट्स अ वेरी इजी। तुम्हारा भाई पहुँच गया फाइनल 6th में। 14. Of course. You're right. You get 300 points. I am accepting. ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं है, 3री है। किसी दिन लाइव स्ट्रीम में भी खेलूंगा ये वाली गेम, तब सामने देखना। We're in 6th grade. It's the end of our journey. There's only one bonus question है ये, but it's worth 500 points. All right. We have to leave our classmate here because it's all on you. Take it easy. Bye Halima. Thank you. Standard gamer. Let's find you a good question. I think लाइफ साइंस या वोकैबुलरी में से कुछ चूज करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये हो जाएंगे। वोकैबुलरी मेरी ठीक है आई थिंक, बट आई स्टिल फील लाइफ साइंस के साथ जाते हैं। 6th क्लास की वोकैबुलरी लेके देखी जाएगी। It's on the tip of our tongue with this vocabulary question. Okay. It's the final question. You can do it. It's time to see if you're smarter than a 5th grader. All which right. Of these is another way of saying perplexed. Nonplussed. Undivided. Anti-minused. रुको जरा, ये तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो मैं सोच रहा था। मैं तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। परप्लेक्स होने का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ठीक है। आई एम परप्लेक्स्ड बाय दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं सोच रहा था ऑप्शन आएगा कंफ्यूज, वो तो ऑप्शन में नहीं है। आई एम वेरी परप्लेक्स्ड बाय दिस क्वेश्चन। आई एम अनडिवाइडेड बाय दिस क्वेश्चन। नहीं, अनडिवाइडेड तो गलत है। 1 और 3 में से आंसर है। नॉन प्लस हुआ कम और एंटी माइनस हुआ ज्यादा। पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है ऐसा 3 होगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है घटना और एंटी माइनस का मतलब हो गया बढ़ना। कंफ्यूजन बढ़ गया है काइंड ऑफ, उस तरीके से ऐसा बोलने का तरीका है। नॉन प्लस्ड, प्लस का उल्टा नॉन यानी कि घटना। तो मैं परप्लेक्स हो गया हूँ, घट गया हूँ। माई गट फीलिंग सेज 3। इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट। खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट। And it is locked in. The correct answer is nonplussed. Shit! Sorry, but you chose the wrong answer. Shit! Oh no! Unfortunately, you were not smarter than a 5th grader. Oh no! But we'd love to give you another try. Let's take a look at the final scores. Oh shit! Congratulations! What a great score! At least 5वीं क्लास तुमने पार कर ली थी, 6ठी में फेल हुए। That was an actually difficult question. काफी ज्यादा ही हो गया था। नॉन प्लस्ड, एंटी माइनस्ड, बहुत वाइल्ड गेस था, बट वेरी क्लोज। आई थिंक लप्पू सा तो नहीं हूँ मैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। How many did you get right? And तुम्हें तो अभी तो कमेंट्स आएंगे, हमने तो थाले कर लिए थे, चाले वाली जी क्वेश्चन थे, हमको तो छब आता था। ठीक है भाई, तुम्हें छब आता होगा। इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर ये वाली गेम पे, क्योंकि इसमें एवरी टाइम तुम ये खेलोगे तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो कॉमेंट्स में बताना। इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज ऑन दिस गेम, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।